हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। अवनमन कोण कितने कितने हैं? अवनमन कोण यहाँ पर आपको दिए गए हैं 30 अंश और 45 अंश। बहुमंजिला भवन के ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझना बात। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन। अब देखो, एक बहुमंजिला भवन है, जैसे एक ये बहुमंजिला, इसको लाइन को थोड़ा सही रखना है, सही समझना। ठीक है आप लोग, ये देखो, एक भवन हो गया ये बहुमंजिला। ठीक है, समझते हैं ना। इसके शिखर से देखने पर, इसका ये शिखर हो गया, इसके शिखर से देखने पर, शिखर से एक हुआ, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, इसके शिखर से देखेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखने पर, अपन यहाँ से देखेंगे इसको, यहाँ से, ये हमारी आँख लगी हुई है। शिखर से देखने पर, देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, एक आठ मीटर ऊंचा। अब देखिए यहाँ पर इस साइड में बना लें, एक 8 मीटर ऊंचा ये भवन है। ठीक है, तो इसका आप समझो, यहाँ पहले इसको मिला लेते हैं, भवन ये जमीन से जमीन मिला दिया। अब ये भवन का जो बना भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8 मीटर। तो लिख देंगे, ये लिख देंगे भवन। ठीक है, ताकि समझ में आए पूरी बात ही, 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये था बहुमंजिला। ठीक है, छोड़ो उसको। यहाँ से देखने पर इसके शिखर और तल के अवनमन कोण 45 45 हैं। शिखर का अवनमन कोण जो है, जैसे अवनमन कोण कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे तो बनता है डेढ़ जस करके। तो ये वाला जो कोण है वो 30 अंश है। ठीक है, और जो ये वाला कोण है, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक का, ये 45 डिग्री का है। ठीक है, इतना हो गया, ये 30 अंश 45 अंश है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब समझो, यहाँ पर अगर इसको हम लोग ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, यह है बहुमंजिला भवन है आपका। बहुमंजिला भवन, ये आपका क्या है? बहुमंजिला भवन है। क्लियर, अब समझो, ए बी सी डी इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिला देंगे। पहली बात तो यह है, क्यों मिला देंगे? क्योंकि देखो, ये जेड बनाना है हमें यहाँ पे, ये इस प्रकार से जाएगा, ये जेड बन जाएगा यहाँ पर। तो जेड बन जाएगा, जब ये इतना आपका 30 है, तो इधर वाला इतना आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 30 हो जाएगा। फिर आपका ये जब आपका 45 है, तो आपका ये वाला कितना हो जाएगा? आपका ये आपका 45 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है, ये वाला का 45 है, तो आपका ये वाला 45 हो जाएगा, और आपका ये 30 है जब छोटा सा, तो ये वाला आपका 30 हो जाएगा। इतनी बात। तो ए बी सी डी, इसमें चलिए ई यहाँ पे नाम रख लेते हैं, एक समकोण। हमसे पूछा गया है भवन के बीच की दूरी, आपका एक भवन ये है और एक भवन आपका ये है, इनके बीच की दूरी पूछा गया है, ये वाली दूरी पूछ रहा है हमसे, हम ये मान लें एक्स मीटर। ठीक है, तो ये भी एक्स, तो ये वाली एक्स हो जाएगी। हमने माना है, माना माना भवनों के बीच की दूरी, भवनों के बीच की दूरी हमने मान ली है एक्स मीटर। एक ये भवन, एक ऊपर भवन, इनके बीच की दूरी हो गई एक्स मीटर। ये आगे कुछ मानते हैं, जब आपकी सी डी जो है 8 मीटर है, तो आपकी बी ई भी होगी आपकी 8 मीटर। समानता रेखाएं हैं, ये समानता रेखा ऊपर भी खींची हुई है 8, ये इतनी मान लो एच मीटर। तो बहुमंजिला कितना हो जाएगा? टोटल है ना बहुमंजिला, बहुमंजिला तो टोटल है, तो ये हो जाएगा आपका 8 + h मीटर। कितना हो जाएगा? 8 + h, समझ में आ गया। इतना सिर्फ हमने माना, h नीचे का 8 दिया गया है, हम लिख देंगे माना भवनों के बीच की दूरी बराबर एक्स मीटर,
अब लिखेंगे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर एच प्लस 8 मीटर। एच प्लस 8 लिख लो या 8 प्लस एच लिख लो, बात वही है, सेम टू सेम, कोई फर्क वाली बात नहीं है। क्लियर हुई बात? यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब होगी असली अपनी कार्यवाही शुरू। यहाँ से अब लगेगा अपना सवाल, चित्र बनना हुआ क्लियर। देखिए मेन चीज़ होती है कि जगह जब चित्र बन जाता है तो सवाल भी लग जाता है। कहता कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई हमने मान लिया, ये ऊपर वाले को सिर्फ इतना को एच माना और नीचे 8 है, तो एच प्लस 8 हो जाएगा ऊंचाई। इसके बाद है यहाँ पर दो भवनों के बीच की दूरी, भवन के बीच की दूरी कितनी, एक्स है, तो एक्स मान लिया। अब लिखेंगे देखो, समकोण त्रिभुज एक तो बनेगा हमारा, देखो इसमें कलर करेंगे आप समझना इस बात को, एक बनेगा हमारा समकोण त्रिभुज ई पर होना है नब्बे का, AED। हम किसी बात करेंगे AED की, सिर्फ सिर्फ AED आपके सामने देखो है, AED हम लिखेंगे यहाँ पर। देखो समकोण त्रिभुज AED में यहाँ पे 30 अंश को कोण दिया गया है, लिखेंगे टेन थीटा, मतलब टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधा, लंब कितना है h, आधा कितना x, तो हो जाएगा h बटे x। इसका मान होता है 1/√3 बराबर h बटे x, तो x का मान आपका आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा h√3, त्रिशी गुणा हो जाएगी ना, x कनेक्स h√3, ये तो आपका x का मान आ गया। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे समझो। अब देखो एक आपका कौन सा त्रिभुज बन रहा है, अब देखो इसमें भी कलर करेंगे अभी हम, ये समझ में आ जाएगा आपके। एक देखिए आपका त्रिभुज बन रहा है, देखो यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ये वाला कौन सा है, इसका नाम है ABC। कौन सा है? एक आपका बन रहा है ABC समकोण त्रिभुज। हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में। अब इसमें क्या है देखो, 45 का कोण है, लिखेंगे टेन 45 बराबर, देखिए पूरी भुजा देखने है हमें यहाँ पे, क्योंकि पूरा है ना ये कोण, पूरा पूरा तो वही ना, पूरी भुजा है h+8, तो हो जाएगा h+8 बटे में हो जाएगा x, बस इतना हो जाएगा। आगे सॉल्व करो, 1/h+8/x, एक्स सेकंड x बराबर h+8, और x का मान कितना है h√3, ये x के पे मान रख देंगे, बराबर h+8। क्लियर? यहाँ से h इधर लाएंगे तो हो जाएगा h√3 - h बराबर हो जाएगा आपका 8, h ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा, √3 - 1 बराबर 8। इतना यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके आगे देखो और h का मान निकालो यहाँ से पहले, तो आ जाएगा आपका 8 और बटे में आ जाएगा √3 - 1। अब देखो इसको √3 - 1 को ख़त्म करने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 + 1 से कंजुगेट, मतलब संयुग्मी से गुणा कर देंगे, √3 + 1 दोनों से ऊपर नीचे, तो आ जाएगा आपका 8√3 + 1, और नीचे क्या जाएगा, a-b × a+b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 से 1 जाएगा, बचेगा आपका 2। ठीक है, क्लियर? गुणा कर लिया इसका, √3 - 1 √3 + 1, कैसे समझो, इधर लो इधर समझा देते हैं, √3 - 1 √3 + 1, इसका गुणा करोगे तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर a-b × a+b, ये फॉर्मूला होता है। और ये होता क्या है, a² - b² बराबर यही तो होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √3 का होता है 3 से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, बस वही है, तो 2 से काटो उसको, 2 चक्कू 8, तो आ जाएगा आपका 4, ये √3 + 1, ये 4√3 + 1 आ गया h का मान। ठीक है, h का मान आ गया, लेकिन देखो ये भी यहाँ पे ऊंचाई नहीं आई है, हम देखो लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे यहाँ पर h बराबर आ गया हमारा 4, ये √3 + 1, ये h का मान आ गया। हम x का मान निकाल लें, x का मान क्या था, देखो x का मान था h√3 ये था, मान रखो इसमें h का मान 4√3 + 1, ये था, इसमें गुणा करना है पूरे में √3 से, गुणा कर दो √3 से, तो कोष्टक में ही कर दो केवल, तो 4√3 √3 करेंगे 3 + √3 = √3, ये आ जाएगा x का मान, ये h का मान है। अब आगे समझो आप लोग,
हमसे पूछा क्या गया था? भवनों के बीच की दूरी पूछी गई थी, तो लिखेंगे अतः भवनों के बीच की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, x थी, x मीटर मानी थी, तो x मीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो ऊंचाई की बात, ऊंचाई समझना आप लोग, यहाँ पर ऊंचाई कितनी थी, वह मंजिला भवन की ऊंचाई थी आपकी h प्लस 8, यही तो थी, तो लिखेंगे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई h प्लस 8, h कितना है मान, 4 इधर रूट 3 प्लस 1, h का मान है प्लस 8, चलो उसका गुणा कर दो पहले, तो 4 रूट 3 तो 4 रूट 3 हो जाएगा, प्लस 4 एक 4 तो 4 प्लस 8 तो 8 हो जाएगा, 4 रूट 3 प्लस 4 8 12, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, रूट 3 प्लस 3 ये भी आ गई, 4 रूट 3 प्लस रूट 3 ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई इतनी मीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर भवनों के बीच की दूरी निकाल ली है, एक्स का मान 4 रूट 3 प्लस रूट 3 और भवन बहुमंजिला भवन की जो ऊंचाई आ गई है वो भी इतनी आ गई है। तो बस आपसे यही दो चीज़ें पूछी गई थी कि आप बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बता दीजिएगा और इनके बीच की दूरी बता दीजिएगा, तो ये दूरी बीच की निकल आई है। बस सवाल हमारा सॉल्व हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।